दरवाजे। क्या हुआ? कौरी दीदी आ रही है। वो तो दोपहर को आने वाली है ना, अभी क्या है? आते ही नुक्स निकालना शुरू कर देगी वो मुझ में। वो भी माइनस में। आज भी उतनी भयानक दिखती हो भाभी, जरा भी नहीं बदली, न सूरत में और ना ही स्वभाव में। बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं तो कहूंगी कि तुम एक थर्ड क्लास भाभी हो। कुछ आता जाता नहीं है, बस पूरा दिन सुना 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 करती रहती हो। अरे पता नहीं कौन सी घड़ी में मेरे भाई की नजर तुम पे पड़ी थी, वरना एक से बढ़कर एक रिश्ते आते थे मेरे वधू के लिए। झाड़ू कटका कपड़ा बर्तन खाना बनाना सब काम करती थी। दूसरों के घर में तो सोचो, अपने घर में करती तो कितना करती। हमेशा माइनस में मार्क्स देती है वो मुझे, अब क्या होगा बदे? अच्छा ही होगा सब कुछ। और सुषमा डोंट वरी, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा बस उनका दिल जीतने में। वो तुम्हें 100 मार्क्स देगी, वो भी प्लस में। पक्का? पक्का। चलो अब सो जाओ चुपचाप। सुषमा क्या तुम भी? गौरी दीदी क्या दूध वाला भैया है जो 5 बजे में आ जाएगी? तो दूध वाला भैया हमारे बेडरूम तक आकर दूध नहीं देता है हमें? हाँ, मैं देखता हूँ। क्या कर रही है तू? दरवाजा लॉक कर रही हूँ मम्मी जी। हथौड़ी से? बेटा दरवाजा लॉक करने के लिए हाथ में इस्तेमाल किया जा सकता है ना? मेरे हाथ में दर्द है ना मम्मी जी। जीती रहो तुम, जीती रहो। अच्छा बेटा ये बताओ, सुबह सुबह दरवाजा ठक ठक करने की क्यों सूझी? वो हमारे घर के किचन में लाश पड़ी दादी जी। क्या? ओफो, ये टीवी सीरियल ने सबकी आदत बिगाड़ दी है, सबको रिपीट टेलीकास्ट चाहिए। हमारे घर के किचन में लाश पड़ी है। वो जो मुर्दा घर में होती है ना, सफेद चादर में, गुंगी पहरी। पैसी। वो हम समझ गए, लेकिन लाश है किसकी? हो सकता है, कौन हो सकता है? याद आया, वो जो अपने नए पड़ोसी है ना वर्मा अंकल, उनकी बीवी तो नहीं हो सकती। वो क्यों? क्योंकि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई ना। और कौन कौन नहीं हो सकता? मेनका, कौन कौन नहीं हो सकता ये सोचने के बजाय जाकर देखते हैं ना कि कौन है। चलो चलो चल कर देखते हैं। बदे? हाँ। यहाँ बैठी हूँ डर लग। सुषमा अब क्या होगा? चुप रहो माँ। अरे पहले पता तो चले कि लाश है किसकी। अच्छा शांति रखो पते। हाँ जाओ सुषमा, नो प्रॉब्लम। बाबाजी क्या 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 है? हाथ मत लगाओ लाश को, वरना हम फंस जाएंगे। हाँ वो तो हम वैसे भी फंसेंगे नानी माँ, क्योंकि मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया है। अरे खाली खोपड़ी तूने ये क्या किया? दाबाजी कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ? लाश के हाथ पकड़ लो और उसको जिंदा करो और आप हो जाओगे, चलेगा ना? मैं जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, सासू माँ आप कैसे जाओगे? जान दो मेनका, मुझे ही जाना पड़ेगा। सुषमा मेरा हाथ पकड़ो। सुषमा ये तो
तो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? डैडी जी ठीक से चेक करिए, हो सकता है लाश जिंदा होने का नाटक कर रही है। एक खाली खोपड़ी मरने का कोई नाटक करता है, जिंदा होने का नहीं। एक मिनट, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये यहाँ आए कैसे? मेन डोर से। अच्छा तुझे कैसे पता चला? वो जब आधी रात को आए थे तो दरवाजा मैंने ही खोला था मम्मी जी। अरे तुझे पता था ना खाली खोपड़ी, तो लाश लाश करके क्यों चिल्ला रही थी? सबको डरा दिया खामोखा। मुझे क्या पता था सेम टू सेम आदमी यहाँ पर लाश बन के पड़ा है। सर, सर ओ भीमसेन गांगुली जी। सर बॉस। सर बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ खड़े हो। सर नाश्ता तैयार है। नाश्ता कहाँ है नाश्ता? चलो चलो। नाश्ता चाहिए? हाँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि आधी रात को आप हमारे घर पर क्यों आए सर? तो क्या हुआ भदे, आधी रात को मेरी काम वाली नंदा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आप उनके घर में क्यों रहते हैं? अरे नहीं, उसने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। तो आप यहाँ आ गए? नहीं भदे, पहले मैं पांडे के घर गया। मैंने जाके बेल बजाई तो अंदर से पांडे के पप्पा बोले कि पांडे तो घर पे है ही नहीं। और तुम्हें मालूम है भदे, पांडे के पप्पा की आवाज सेम टू सेम पांडे जैसी। नेचुरली वो पांडे ही था। बाद में मैं मुकेश के घर गया, बेल बजाई तो अंदर से मुकेश की मम्मी बोली मुकेश घर पे है ही नहीं। और जानते हो भदे, मुकेश की मम्मी की आवाज भी सेम टू सेम मुकेश जैसी ही थी, है ना? एग्जैक्टली। ठीक है ठीक है, अब आप अपने घर जाइए, ऑफिस में तो आना है ना फिर आज। नहीं भदे, जब तक मैं मेरी सम्मान का बदला अच्छा अच्छा खाना खाकर नहीं लेता तब तक ना ही मैं घर जाऊंगा और ना ही ऑफिस। और भाभी जी ये लिस्ट है, आज शाम तक मेरे लिए जो जो खाना बनाना है उसकी लिस्ट है। अच्छा कौन सा पेज नंबर? सारे 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 बना दीजिए भदे, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। चलो चलो चल भदे। सुषमा नहा धोकर सब कुछ बनाने की तैयारी में जुट जाओ तो। हाँ मैं भी तैयार हो जाता हूँ, आज एक क्लाइंट ने घर बुलाया है। नहीं आज कहीं नहीं जाओगे तुम, आज तो गौरी दीदी आने वाली है। आएगी तो तारीफ ही करेगी तुम्हारी, तुम हो ही तारीफ के काबिल सुषमा। मैं देखता हूँ तुम्हारी तारीफ कैसे नहीं करती हो, मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें। ऑल द बेस्ट। हाँ। आप मेरी मदद तभी कर पाएंगे ना जब कल सुबह आप किसी की भक्ति प्रॉब्लम्स घर ना ले आए। न जाने कल क्या होगा तेरी जिंदगी में सुषमा भदे। ओह थैंक यू भाभी जी, लेकिन देखिए भाभी जी आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हो जाए। हाँ जरा समझाइए समझाइए भदे साहब, अरे अपनी सेहत का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, पूरा दिन बस काम 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 के अलावा तो इसे कुछ सोचता ही नहीं। सर आप कभी कभार भाभी जी को घुमाने भी ले जाया कीजिए। बाहर क्या करूंगा बाहर ले जाकर, अरे वाटरफॉल देखकर बोलती है कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है, रोको रोको। अरे जहां देखो बस हाउसवाइफ की नजर इसे ही सोचती है, किचन ही मानो उसका घर है, पूरे दिन किचन में ही पड़ी रहती है। अभी हाउसवाइफ हो तो ये सब तो करना ही पड़ता है ना भाई साहब। अंदर की बात बताऊं, दरअसल हमारे घर के सारे लोग निकम्मे और आलसी है, लेकिन मैं भी कुछ ऐसा चक्कर चलाती हूँ, ऐसा चक्कर। मत सगंदा, भगवान ने मुझे जो शक्ति दी है उसका इस्तेमाल करके अगर इसके अंदर की हाउसवाइफ वाला हुनर मैं ले लूं तो मैं सुषमा की मदद कर सकता हूँ। सर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको फ्री गिफ्ट के तौर पर मानो दो दिन के लिए आपकी वाइफ का स्वभाव अगर मैं ले लूं तो। क्या बात कर रहे, ऐसा हो सकता है? हाँ भाभी जी अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? हम खाएंगे तो। मुकेश तुम चुप रहो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। मजे 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 मजे।
गई हाउसवाइफ। जयेश मैं अभी आई हूं। पदे साहब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को मारिए गोली। एक अंदर की बात बताऊं, मेरा बॉस एक नंबर का गधा, पूरी कंपनी मुझे हैंडल करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए मैं ऐसा चक्कर चलाता हूं। ये क्या बोल रहा हूं मैं, रूबी कस्टमर के सामने? पते साहब प्रॉब्लम एक्चुअली यही है, क्या है ना कि वो हाउस वाइफ तो है लेकिन बेचारी थोड़ी सी वैम्पी है। हाँ? हाँ, छल कपट करके ननन देवरानी की क्रेडिट खा जाती है, ऐसी वाली वैम्प। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब जाने दीजिए ना बदे साहब, सिर्फ दो दिन की तो बात है। जयेश जयेश मैंने हम दोनों के लिए मनाली का हॉलिडे पैकेज बुक कर लिया है, और वो भी 10 दिनों के लिए। तुमने बुक किया? हाँ। चमत्कार हो गया, चमत्कार, क्या बात है। चमत्कार तो घर जाकर मैं करूंगा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि की तरफ देखकर यही सोचती रही है भाभी कि काश मैं इसी दरवाजे से वापस चली जाऊं। अरे नहीं नहीं गौरी दीदी, मैं तो आपके भैया के आने के इंतजार में दरवाजे की तरफ देख रही हूँ। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहती है कि मैं दरवाजे की तरफ नहीं देख रही हूँ, मतलब मैं भदू का इंतजार नहीं कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं दीदी, मेरा ये मतलब नहीं है। बस बस भाभी, मैं सब समझती हूँ कि आपका मतलब क्या है। माजी कल्याणी, कल्याणी माजी, आपको पता है पिछली बार आपकी बेटी ने क्या किया था? मुझे लक्कड़ बग्घे के आगे छोड़ दिया था। वो तो शुक्र है उस पिंजरे का जिसमें वो कैद था, वरना अरे वो तो हम चिड़ियाघर गए थे ना, और वो शार्क मछलियों के बीच आपने मुझे छोड़ दिया था, उसका क्या, ताकि वो लोग मुझे नोच नोच के खा जाए। सच? अरे नहीं नहीं माँ, क्या तुम भी, मैं तो इन्हें फिश पेडिक्योर के लिए लेकर गई थी, और जार में तो सिर्फ पाव था, इतनी छोटी छोटी तो मछलियां थी उसमें। क्या गौरी दीदी आप भी, 2 मिनट हो गए मुझे यहाँ आए हुए, गला सूख रहा है मेरा, पानी तक नहीं पूछा आपकी बेटी ने। ओ, उसका क्या? बुआ जी झूठ मत बोलिए, आपके आते मैंने आपसे नहीं पूछा था कि आप जिस ट्रेन में आई हैं उसके बाथरूम में पानी था या नहीं? ये खाली खोपड़ी, ये उस पानी की बात नहीं कर रही है। कोई भी पानी के बारे में बोल रही हो, लेकिन पानी के बारे में तो पूछा ना उसने। आपकी बेटी से तो लाख गुना अच्छी है उसकी बहू। क्या लाई हो? पकोड़े हैं बुआ जी, खाइए। सीखिए कुछ अपनी बहू से भाभी। अरे वाह वाह, ये पकौड़ों में छेद क्यों बनाया बेटा? चाट मसाला भरने के लिए? अरे वाह, गर्मा गर्म पकौड़े। धूप में रखने की वजह से गर्म हुए हैं। क्यों, धूप में क्यों रखे थे पकौड़े? वो क्या है ना, परसों मैंने फ्रिज में रखना भूल गई थी तो इनमें छींटियां भर गई, तो छत पे रख दिए। अच्छा अच्छा, अब समझी पकोड़े में छेद क्यों है, कौवे ने चोंच मारी होगी। कैसे पकोड़े खिला रही तू दीदी को? हाय हाय, मुंह से निवाला छीन लिया आपकी बेटी ने। सॉरी सॉरी, नीचे खाइए फिर तो। हाय हाय, मतलब 3 दिन पुराने पकोड़े खिलाकर मुझे मार डालना चाहती है? अच्छा, और यही पकोड़े जब खाली खोपड़ी ने खिलाए तब? लेकिन मुझे खिलाने से पहले इसने धूप में रखे ना पकोड़े, मतलब इसकी नियत में खोट नहीं है आपकी बेटी की तरह। आने दीजिए मेरे भाई को, बोल देती हूँ उसे कि मैंने इन्हें 50 मार्क दिए हैं, वो भी माइनस में। सुषमा बदे,
प्लीज बचाओ मुझे गौरी दीदी से। ये अब तक 50 मार्क्स मिल चुके हैं और वो भी माइनस में। डोंट वरी सुषमा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि तुम्हारे माइनस 50 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स में बदल जाएंगे। दीदी ऐसे बहुतू, ये क्या हाल बना दिया है तूने अपना? कितना दुबला हो गया है पिछली बार के मुकाबले। अरे कहाँ दीदी, 20-30 किलो ही तो कम हुए हैं। 20 मार्क, वो भी माइनस में। तेरी बीवी तेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती बहुदू। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, जितना हो सके रखती है। फुर्सत ही कहाँ मिलती है बेचारी को अपना खुद का ख्याल रखने से। भदे सही तो कहा, देख रही हूँ मैं, कोई सुधार नहीं आया इसमें, पहले की तरह निठल्ली और गवार। नहीं नहीं दीदी, निठल्ली नहीं है, इतना काम करती है बेचारी की बुरी तरह से थक जाती है। अब आप ही सोचिए ना दीदी, जो खुद थकी हुई हो वो कितना काम करेगी बेचारी। भदू, मतलब पूरा घर तू ही संभालता है? पति होने के नाते इतना तो करना ही पड़ता है ना दीदी, खाना बनाना, ये वो। और जिस दिन ऑफिस से देर से आता हूँ उस दिन खाना बाहर से मंगवाने का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मतलब रोज खाना तू बनाता है? ये कुछ भी नहीं करते ये? तुम ही बताओ, तुम्हारे लिए कुछ बनाया? मैं बनाती हूँ अभी। जाओ जाओ किचन में जाओ सुषमा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा किचन अपना ना बना लिया तो मेरा नाम भी मत से गंदा नहीं। सॉरी, भदे नहीं। ओहो, क्या हालत बना दी है किचन की। सुषमा लाओ, मैं तुम्हें मदद कर देता हूँ, लाओ। कोई जरूरत नहीं, तुम गौरी दीदी को फिर से कहोगे कि कितनी निकम्मी है सुषमा। सुषमा भदे, तुमने मुझे वादा किया था ना कि तुम गौरी दीदी से मुझे 100 मार्क्स दिलवाओगे, वो भी प्लस में। मुझे मदद करने की बजाय मेरी झूठी कंप्लेन कर रहे हो उनके पास। अरे वादा ही तो निभा रहा हूँ। देखो, तुम्हें 100 मार्क्स दिलाने के लिए सबसे पहले गौरी दीदी को खुश तो करना पड़ेगा ना। और तुम तो जानती हो तुम्हारी बुराई सुन के गौरी दीदी कितनी खुश होती है। लेकिन डोंट वरी सुषमा, अब देखना मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि वो जहां भी जाएगी तुम्हारी तारीफ करेगी। देखो, सबसे पहले तुम बाहर का काम करो, उनके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ काम करती रहो ताकि उन्हें लगे कि तुम कितना काम कर रही हो, है ना? अच्छा, अरे लेकिन ये वो किचन का काम मैं कर लूंगा ना सुषमा। नहीं नहीं नहीं, गौरी दीदी के लिए खाना तो मैं ही बनाऊंगी। लगता है उंगली टेढ़ी करने ही पड़ेगी, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि सुषमा किचन का काम कर ही ना पाए। हेलो मेनका बेटा, क्या कर रही हो? टीवी सीरियल देख रही हूँ डैडी जी, नागिन की अंगड़ाई। हाँ हाँ, मैंने बुआ जी ने कोई धार्मिक प्रवचन लगा रखा है इंग्लिश में। वैसे तुम्हारा वो फेवरेट सीरियल कौन सा है? मेरा सब सामान तुम्हारे पास पड़े। हाँ, उसमें वो लड़की है जो सौतन बनने वाली होती है, मंजुलिका। वो तो सौतन बन चुकी डैडी जी, एक एक करके सब कुछ हड़प रही है। आज उसने किचन में हड़प लिया। अच्छा, कैसे कैसे? सुनो, अब देखना सुषमा मैं कैसे चक्कर चला रहा हूं।
वाह दामाद जी वाह, पहली बार सूरज पश्चिम से। कुछ मत बोलिए सासू माँ, कुछ मत बोलिए, सिर्फ मुझे सेवा करने का मौका दीजिए बस। थैंक यू। देखा, ये है मेरा भाई। और एक आप है जो हर बार बोलती रहती है, इसका रिश्ता आया था, उसका रिश्ता आया था। दरअसल मुझे आपको कहना चाहिए कि मेरे भाई के लिए मालिश वाली का रिश्ता आया था। जरा सोचो, अगर आपकी बेटी की जगह वो मालिश वाली लड़की होती तो आपके पापा को मालिश नहीं करके देती। अगर आपके भाई की शादी मालिश वाली से हुई होती तो मैं यहाँ कहाँ से होती? आपका तो उदाहरण ही गलत होता है। अच्छा, मालिश वाली ना सही, कचरे वाली का रिश्ता आया होता तो? कचरे के साथ साथ इनको भी नहीं घर के बाहर फेंक देती, इनकी बेटी के साथ। सासु माँ तो कब की सो गई। उफ, एक मन की बात बताऊं दीदी? क्या? सुषमा किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। अब देख रही है ना, खाना भी मैं बना रहा हूँ, मालिश भी मैं कर रहा हूँ, ये वो और वो पता नहीं महारानी कहाँ घूमने चली गई। माँ, दीदी, दीदी आपको लगी तो नहीं? नहीं, लेकिन लग गई होती तो। माँ, ओ बाप रे, फिर तो आपके लिए भी व्हीलचेयर मंगानी पड़ती। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मम्मी, मम्मी, मगर आप गिरी कैसे? और ये घी कहाँ से आया? ये जरूर मंजुलिका का किया धरा है। कौन मंजुलिका? वही, मेरा सब सामान तुम्हारे पास पड़ा है कि वैन? अभी 3 दिन पहले ही उसने आइडिया अपनी सौतन पर आजमाया था। डैडी जी, मैंने आपको बताया तो था। क्या बोले जा रही हो? सुषमा, तुम जाकर आराम करो, किचन मैं संभाल लूंगा। मेनका, ले जाओ अपनी मम्मी जी को। चलिए मम्मी जी। अरे मेनका, मम्मी। हाँ चलो। सॉरी दीदी। देखा दीदी, देखा कैसे बहाना बनाकर चली गई। रोज का है ये, रोज का। अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा। डैडी जी, कहीं घी आपने तो नहीं गिराया मम्मी जी को फिसलवाने के लिए? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, सुषमा मेरी सौतन थोड़ी ना है। वो तो है, लेकिन फिर भी आइडिया आपको आया कहां से? मेनका बेटा, मुझे लगता है घी कोई चुरा रहा होगा और हड़बड़ी में उसके हाथ से घी गिर गया। ये क्या बोल रहे हैं आप, घी कौन चुरा सकता है? धीरे बोलो, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। एक मिनट, खिड़कियों के कान नहीं होते, यहाँ बताइए। बताइए, घी कौन चुरा रहा होगा? शायद वही चोर जो चावल भी चुरा रहा है। चावल भी? परसों मैंने गिने थे मेनका, तो 10,32,000 थे। कल गिने तो सिर्फ 10,30,000। इसका मतलब क्या हुआ? 2,000, पूरे 2,000 चावल गायब हो गए हैं। और आज? आज तो गिनने के बाद ही पता चलेगा ना। तुम एक काम करो, ये चावल लेकर जाओ और गिनने बैठ जाओ। मेनका, अगर 10,30,000 से एक भी दाना कम हुआ तो समझ लेना चोरी हुई है, और अगर ऐसा हुआ है तो हम चावल पर नजर रखेंगे, और जैसे ही वो चावल चुराने आएगा हम उसकी गर्दन दबोच लेंगे। उनकी ये मेरी गर्दन है बेटा। जीती रहो तुम, जीती रहो, जाओ जाओ जल्दी। ओ मेनका, अगर मेरे बॉस मिले ना तो उन्हें भी लगा देना गिनती करने को। ओके।
अब ये पूरा किचन मेरा है, सिर्फ मेरा। एक लाख 3340। ए खाली खोपड़ी, ये क्या कर रही है? नानी माँ, मैं चावल गिन रही हूँ, क्योंकि आजकल ये चोरी हो रहे हैं। अच्छा, कितने गिने? हाँ, 1,03,000। भुला देना गिनती नानी माँ। भदे, भदे। सर, आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बोलो, क्या खाना है? खाना नहीं है, गिनना है चावल। आप चावल गिनने में मेरी हेल्प करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आपको गिनना तो आता है ना? आई नो एक आगे एक ए? हाँ तो एक एक करके ही तो गिनना है ना। हाँ। पहले आप एक एक करके गिन लेना, फिर मैं देख लूंगी कि कितने एक हुए। हाँ ठीक है। एक 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 दो एक एक तीन एक। एक की खोपड़ी खाली है और दूसरे के दिमाग में सिर्फ खाना भरा है। तो कंटल आ गया। अंताक्षरी खेले? हाँ। पहले मैं गाती हूँ। हो तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। आप हो, हो। गाओ। हाँ। हो तुम ही हो, बस तुम ही हो मेरी जिंदगी, बस तुम ही हो। ओ हो, हो अब तुम पे भी हो। हाँ, ऐसे क्या हो सकता है? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो, तुम ही हो। वाह वाह वाह, कितना अच्छा गाती है ये। अच्छी बहू है, इसे 100 मार्क, वो भी प्लस में। अरे पर अंताक्षरी में एक ही गाना वो बार बार रिपीट कर रही है, ये तुम्हें नहीं दिखता गौरी बहन जी? बस बस, बात मत बदलिए। देखिए रिपीट भी कितना अच्छा गा रही है, भाभी से भी अच्छा। चलिए सर, गिनती कंटिन्यू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। एक मिनट मैं कैलकुलेटर लेकर आती हूँ, फास्ट हो जाएगा। हाँ, साथ में एक लड्डू भी लाना। लड्डू से हिसाब कैसे करेंगे? आई नो गुड क्वेश्चन, थैंक यू मम्मी। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, तुम्हें किचन में गिराने के पीछे डैडी का हाथ था। हाँ, वो जान पूछ कर तुम्हें बुआ के सामने नीचा दिखा रहे। मैंने ऑफिस फोन करके पता किया। अच्छा, डैडी आपकी मदद ही करना चाहते थे, वो तो बदकिस्मती से आपकी मुसीबत बन गए, लेकिन आपको उनसे लड़ना होगा। लेकिन कैसे? अरे वाह सर, इतने सारे चावल गिन लिए आपने, लेकिन ये सारे के सारे गए कहाँ? वो क्या है, अकेले अकेले चावल गिन गिन के मैं कंटाला गया था, इसलिए खा गए। ओफो, अब पता कैसे चलेगा कितने चावल थे? सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया आपने। आई नो अच्छा ठीक है, अब इसमें जितने चावल बचे हैं उन्हें गिन लेते हैं, और इन्हें मत खाना। आई विल ट्राई। गौरी दीदी आओ, आपके कुछ कपड़े हैं क्या धोने के लिए? हैं? तो क्या हुआ अगर मैं इंजर्ड हूं तो? लाइए ना, मैं धो देती हूँ। सुषमा, सुषमा तुम क्यों प्रतिष्ठा में प्राण गवा रही हो? मैंने कहा ना तुमसे आराम करने के लिए। कपड़े मैं धो देता हूँ। ये क्या नया काम है मेरे लिए? लाइए दीदी। दे
इतने से? इससे पहले कितने साल पहले कपड़े धोए? ये कल के कपड़े हैं, मैंने लॉन्ड्री का काम शुरू किया है ना। क्या है, हमारे यहाँ पानी खत्म हो गया था तो सोचा यही साथ ले आती हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ किचन में, डैडी बाथरूम में बिजी रहेंगे, तब तक तुम खाना बना लो फटाफट, वो भी बुआ जी की पसंद का। जाओ। हाँ ठीक है। अच्छा तो मेरे नहले पर दहला मारने की फिराक में है सुषमा और सुनील। अब क्या करूं मैं? मिल गई वॉशिंग मशीन। आइए सर, आइए। कहाँ है लड्डू? लड्डू कहाँ है? वो देखिए। अरे वाह, लड्डू का पेट। लेकिन भदे, एक ही लड्डू क्यों फला हुआ है? सर ये फला हुआ नहीं है, लटका हुआ है। ये इतना ऊपर क्यों है? थोड़ा नीचे लाओ ना। हाँ पर उसके लिए तो आपको कपड़े धोने पड़ेंगे सर। कपड़े धोने पड़ेंगे? हाँ, अब पांच कपड़े धोएंगे ना तो लड्डू 5 इंच नीचे खिसकेगा, और 5 कपड़े धोएंगे लड्डू और 5 इंच नीचे आ जाएगा। इट्स अ गेम। कहाँ है कपड़े? वेट, आई एम कमिंग। ये रहे कपड़े और वो रहा बाथरूम। गेट गोइंग, गेट गोइंग सर। वेट। अरे सुषमा, तुम वापस क्यों चली आई यहाँ? मैंने तुमसे कहा था ना आराम करने के लिए, किचन मैं संभाल लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब ये किचन मैं संभालूंगी और साथ में तुम्हें भी। मुझे क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मेरे सामने तुम्हारा भेद खुल चुका है पते। जिस मीठी छुरी मच्छरगंधा का हुनर और स्वीट पॉइजन लेकर आए हो ना तुम। ओहो सुषमा, मैंने तुम्हें बताया तो था गौरी दीदी को उल्लू बनाने के लिए चाल है मेरी सुषमा। जिसमें अब मैं फंसने वाली नहीं हूँ। तो फिर निकल जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मैंने 40 साल गुजारे हैं यहाँ, और अब 40 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से जाओगी। मैं क्यों जाऊंगी? ओके, आधा किचन तुम्हारा और आधा किचन मेरा। ठीक है, ऐसा शाही खाना बनाऊंगी, ऐसा शाही खाना बनाऊंगी कि गौरी दीदी खुश हो जाएगी। मैं भी देखता हूँ कैसे खुश होती हैं वो। 60,336। गौरी दीदी, मैं आपके लिए नया डिनर सेट निकालने जा रहा हूँ, उसी में खाना खिलाऊंगा आज। किसी को क्या लगता है कि मैं माली पे चढ़ नहीं सकती? मैं निकालूंगी वो डिनर सेट, क्योंकि वो मैंने अपने पैसों से खरीदा था। कितनी भोली है बेचारी। अब देखता हूं क्या हाल होता है सुषमा का। हाथ धो के मम्मी। डैडी इस हद तक चले गए? छी, मेरी सारी मेहनत में पानी फेर दिया सुनील। बस कीजिए आंटी। सुन जंकी, अब वो दीदी तारा मार मार के मेरा जीना आराम कर देगी। हो गया, अब मत रोइए आंटी, अब रोएंगे आपके दुश्मन। अरे वो कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए जीजू। आंटी देखना, सब लोग उंगलियां चाटते रहेंगे।
मैं आपको बुआ जी से 100 मार्क्स दिलवाऊंगा और वो भी प्लस में। आइए 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 सब लोग खाना खाने के लिए आ जाइए। खाना तैयार है? चलो बाबा चलो, बहुत भूख लगी है। अरे अंकल आप भी आइए ना, चलिए। आपको पता है सुषमा आंटी ने क्या शानदार खाना बनाया अपने इन्हीं हाथों से? चंकी वो तेरे हाथ है, नीचे कर। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है सुषमा भाभी, है ना बादू? हाँ दीदी हाँ, आइए ना, मैंने अपने इन्हीं हाथों से खाना बनाया है, आइए आइए खास आपके लिए। आइए 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 आइए। होटल अन्नपूर्णा। शर्म नहीं आती? कितनी आसानी से बोल दिया, ये शाहरा खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। मुझे क्या बेवकूफ समझा है कि होटल का खाना सामने रखोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? भाभी कम से कम घर के बर्तन में तो खाना डाल देते। अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा अम्मा जी, अच्छा खासा खाना बनाने वाली कीर्तिकांता का रिश्ता आया था मेरे बधू के लिए। तो आज अगर उसके साथ तेरी शादी हुई होती ना तो कम से कम ये। जाने दीजिए दीदी, जाने दीजिए, नहीं बना पाई होगी बेचारी, नमक बमक ज्यादा पड़ गया होगा हमेशा की तरह। बट नाउ इनफ इज इनफ। सुषमा अभी इसी वक्त किचन से आउट हो जाओ, समझी? पड़ी रहना किसी कोने में। गेट आउट फ्रॉम माय किचन राइट नाउ। इस घर से ही चली जाती हूँ बते। मधु लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। पर ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया डैडी, मम्मी घर छोड़ के चली जाएगी। जाती है तो जाने दो मेरी बला से। मधु ऐसा नहीं कहते, अगर भाभी यहाँ से चली गई तो मैं ताने मारने किससे आऊंगी? माइनस मार्क्स किसको दूंगी? देखा, साबित हो गया ना, आप यहाँ सिर्फ मेरी बेटी को ताना मारने आती हैं। अरे इसमें साबित करने की क्या बात है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर लड़न अपनी भाभी को ताने मारती है और परेशान करती है, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे मेरी नकचड़ी ननन तो मुझसे भी गई गुजरी है। तो अरे होता ऐसे चोटी पकड़ के। अरे वो क्या करती है, छोड़िए बुआ जी, अभी जो करना है वो सोचिए। अरे मम्मी को जाके समझ गई। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? भदु जाके मना उसे। भदु तू वैन की तरह क्यों स्माइल कर रहा है? क्योंकि ये वैम्प ही लेके आए हैं बुआ जी। कौन सी वैम्प? मत्स्यगंधा। डैडी 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 आप सुन रहे हैं ना, लगता पैसे नहीं मानेंगे। नानी अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अरे ये क्या बोल रही है आप, भाभी घर छोड़ के जाने वाली है। सिर्फ घर नहीं, इन्हें भी छोड़कर जाएगी और मैं तो यही चाहती हूं। क्यों मुझे छोड़ के क्यों जाएगी? आप जैसे नालायक फटीचर को और कितना झेलेगी? नहीं देखो सासू माँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है ये, और अब होगा भी नहीं, अब तो मैं तलाक करवा कर ही रहूंगी। सासू माँ बस। डैडी डैडी आप वापस आ गए, वापस मत जाना। सुनिए ये जो आपने अंदर वैम्प हाउसवाइफ लेके है ना,
आप इसे वापस करके आइए। हाँ डैडी। क्या किसको वापस करूं, क्या वापस करूं, मैंने क्या लिया, क्या है मैंने? अरे जो भी लिया है वो अपने अंदर से बाहर निकाल दे, वरना भाभी चली जाएगी और ये अंदर रह जाएगी। नहीं 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 सुषमा, सुषमा एक मिनट, मुझे याद आ गया, मत्स्यगंधा। लेकिन मत्स्यगंधा को कहाँ ढूंढूंगा मैं, वो तो हॉलीडे पर चली गई है, तो जब तक वो हॉलीडे से वापस आती है तब तक मैं ये किस। अरे मैं तो अपाहिज बिचारी गई। 103,338। दावच्ची इस खाली खोपड़ी को दे दो, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ ये सही रहेगा। मेनका बेटा। हाँ हाँ यहाँ आओ बेटा। ओहो डैडी जी पूरी गिनती भुला दी। सॉरी यहाँ सुनील पर और कोई चारा नहीं है मेरे पास। बताइए क्या हुआ डैडी जी? मेनका अपने हाथ मेरे हाथ में दो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। पलकें चिपकाने वाली गेम। I think चली गई वैम्प। ये डैडी हंस क्या रहे हैं? मम्मी रहा सुषमा। दीदी मैं कैसे मनाऊ सुषमा को? भदु वो तेरी बीवी है, तुझे नहीं पता वो कैसे मानेगी? अब मान भी जा बातों पे तेरी चांदनी भी हंसने लगी, तारे मुस्कुराने लगे, हवा गुनगुनाने लगी, आसमां भी झूम उठा। कैसे कहूं कैसे कहूं, हाय राम 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 राम, पगला इतना न जाने न जाने न जाने न जाने 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 हाय। अरे मेनका बेटा खाना खा लो बेटा, चावल की गिनती बाद में कंटिन्यू करना। हाँ हाँ बस हो गया डैडी जी, 3,25,000 चावल है, पूरे 5,000 चावल कम है। ये देखो खाली खोपड़ी को, इतनी बड़ी वैम घुस गई इसके अंदर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हंस लो, तुम सबको क्या पता कि मैंने क्या चक्कर चलाया है? चावल है 3,30,000 और मैंने बताए हैं 3,25,000। 5,000 चावल की बिरयानी बनाकर अगर मैंने खुद न खा ली तो मेरा नाम भी मत से। क्या है मेरा नाम?